सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो एक्सोसाइटोसिस क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए, आज हम यही पढ़ेंगे। सो इसमें से हमारे आंसर है, एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं बड़े अणुओं को अन्य कोशिकाओं द्वारा या विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर द्वारा उपयोग करने के लिए छोड़ती है। ठीक, इसके प्रकार एक्सोसाइटोसिस के प्रकार जो है उसमें से पहला है संवैधानिक एक्सोसाइटोसिस, ठीक, और दूसरा है विनियमित एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना, इसमें से पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि संवैधानिक एक्सोसाइटोसिस। यह सभी कोशिकाओं में होता है, जारी अणुवाह मैट्रिक्स के गठन और प्लाज्मा झिल्ली के उत्थान के लिए मदद करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है विनियमित एक्सोसाइटोसिस। विनियमित एक्सोसाइटोसिस स्त्राव में विशेष कोशिकाओं की प्रक्रिया है, वे अणु जारी करते हैं जो शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विनियमित एक्सोसाइटोसिस संवैधानिक एक्सोसाइटोसिस में से भिन्न होता है, जिसमें वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ सहज रूप से विलय करने में विफल होते हैं। ओके ना, एंड इसका उदाहरण है हार्मोन उत्पादन कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, पाचन उपकला कोशिका और लास्ट है दानेदार कोशिका। ठीक है, एंड ये अपना खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।